नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वो है बागेश्वर धाम का वो बयान जिसमें उन्होंने हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दो बच्चे राम काज में लगाने की बात भी कही है जिस पर MP की सियासत गरमा रही। चर्चा इस बात पर करेंगे, लेकिन जरा देख लेते पहले एक खास रिपोर्ट। तीन चार बाल बच्चे हों, दो ठैया राम की हो। तो सुना आपने, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के युवा 3 से 4 बच्चे पैदा करें और 2 को राम के काम में लगाएं। मध्य प्रदेश की सियासत में जब राम की बात आती है तो सियासत गर्मा ही जाती है, लेकिन यहाँ बात राम से आगे बढ़कर हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण के मुद्दे को भी छूती नजर आई। बागेश्वर धाम का बयान सोशल मीडिया के जरिए चंद सेकंड में ही पूरे देश में हलचल मचा देता है। ऐसे में गृह राज्य MP की सियासत और भी ज्यादा गर्माती है। एक बार फिर इस बयान पर MP की सियासत सुर से सुर मिलाती दिखी। इस बयान के इर्द गिर्द पहले भी BJP के कई नेता बयान दे चुके हैं। अब एक बार फिर BJP बागेश्वर धाम के इस बयान का समर्थन करते नजर आई। बढ़ती हुई जनसंख्या और आबादी किस तरह देश पर संकट का बादल खड़े हुए हैं। अगर धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या कम होती रही तो हिंदुस्तान में हिंदू ही नग्न हो जाएगा, जिसके नाम से ये देश कहा जाता है। इसलिए संत ने सहज कहा है कि भैया, समाज में वैसे तो बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन जब बाकी लोग कर रहे हैं तो 4 कर लो, 2 राम को दे दो, 2 अपने काम के लिए रख लो। तो राम मतलब राष्ट्र सेना में दे दो, देशभक्ति के लिए दे दो, समाज के काम के लिए दे दो, जो पूरा समय जीवन दान देकर समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकें, राम की जय जयकार कर सकें, राम के जागरण कर सकें, राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। इस तरह बागेश्वर धाम के महंत जी ने, बाबा जी ने कहा है। बात जब हिंदुत्व और राम के नाम की उठी तो दबे सुर ही सही, कांग्रेस भी गोलमोल जवाब देकर समर्थन करती नजर आई। हालांकि कांग्रेस ने BJP पर पलटवार करने का मौका भी नहीं छोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो बागेश्वर धाम जो है, एक संत हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बाकी बच्चे कितने होना चाहिए हर व्यक्ति का निजी विषय है। बागेश्वर धाम क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम एक संत है, उनकी बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। रामेश्वर शर्मा अगर ये कहते हैं कि 4 बच्चे होना चाहिए तो मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें शिवराज जी मोदी जी से बात करना चाहिए और परिवार नियोजन कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जाहिर है धर्म की धुरी पर प्रदेश की सियासत भी घूमती नजर आएगी, लेकिन इस तरह के बयान इसमें और तड़का लगाने का काम करते हैं और बागेश्वर धाम की इस टिप्पणी को ऐसे ही लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बात जब 2 बच्चे की होती है, कई नारे बने, कई बार कहा भी गया कि 2 बच्चों की बात को लेकर, लेकिन यदा कदा, पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से भी बयान आया था कि अब हमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। बात हिंदुत्व की होती, हिंदुओं की संख्या कम हो रही, ये भी कहा गया। आज भी रामेश्वर शर्मा ने उसी तरह एक अलग अंदाज में कहा, लेकिन क्या जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के संत हैं, वो कह रहे हैं, तो क्या इस बात को BJP भी आगे बढ़ाएगी या कुछ और? लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो मुद्दा है ये नया नहीं है। संख्या बढ़ाने की बात पहले कई मंचों से कही जाती रही, पर ऐसे दौर में कहना जब 23 और 24 सामने है तो इसका क्या आशय निकाला जाए। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है, और कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी है, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तिवारी जी, रामेश्वर शर्मा जी को भी आप सुन लिए होंगे, ये पहली दफा नहीं है, ये कई बार कहा जाता रहा कि हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है और बाकी दूसरी संख्या बढ़ रही, इस पर अलग अलग मंचों से चिंता भी जाहिर की गई। तो क्या महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं, उनका आशय, उनकी बात के कहने का जो बात कही है, उसका मकसद यही है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ाई जाए? देखिए, समाज के बारे में, देश के बारे में, समाज कैसे चलेगा, समाज की संस्कृति के बारे में सोचने का अकेले काम राजनीतिक दलों का नहीं है। राजनीतिक दल भी कई बार इन संतों, महात्माओं, महर्षियों की बात को सुन करके, जो उनको राजनीतिक रूप से लगा, उसको अनुसरण करते हैं, सब दंडवत करते हैं। कमलनाथ जी भी गए थे बागेश्वर धाम,
और इस नाते समाज में अकेले बीजेपी या कांग्रेस पर काम नहीं कर रही है, वो तो राजनीतिक और सरकारें बनाने के लिए अपनी जनहितकारी योजनाएं लागू करने के लिए कर रही है, पर समाज के जो अन्य संगठन हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म के मामले में, संस्कृत के मामले में, परंपराओं के मामले में, मानवता के मामले में, वसुधैव कुटुंबकम के मामले में, और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र के मामले विचार करते हैं, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी आत्मा से, जो उनको लग रहा है, दिख रहा है। आपने खुद बताया इसके पहले भी कई लोगों ने, आपने बीजेपी का नाम लिया, मैं बीजेपी का विषय नहीं है ये कांग्रेस का विषय था, जो मेरे मित्र कह रहे थे कि शिवराज जी से मिलने बागेश्वर धाम के बाबा, मोदी जी से मिलने बागेश्वर धाम के बाबा परिवार नियोजन बंद करा दे। अरे भैया, आप कह रहे हो ये परिवार नियोजन कांग्रेस ने भी कराया, हमारी सरकारें भी उसे अंगीकार कर रही हैं, दो बच्चे ही अच्छे, पर ये कंपलसरी क्यों नहीं हो रहा पूरे देश के लिए? जब ये कंपलसरी करने की बात आती थी तो कांग्रेस के लोग मुंह चुराते थे। हम तो अभी जुमा जुमा, आप मोदी जी की बात कर रहे हो, 2014 से है, पर आप बताओ ना कि इस देश में जिस ढंग से देश का और सीमा का वातावरण है, अगर कोई संत सोच रहा है, कोई महात्मा सोच रहा है, तो मैं सोचता हूं कि धर्म के लोगों को कोई बात कहना चाहिए थी तो कहते, अगर उन्हें लगता है। पर इसमें राजनीतिक दल का क्या मतलब था प्रतिक्रिया देने का, और इसमें राजनीति कहां से आ गई? वो कह रहे हैं कि दो राम के काम के लिए दे दो। सही कह रहे हैं। कई संतों ने कहा, विश्वकर्मा जी मेरे को कह ले जी 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 जी, कई संतों ने उससे कहा, विश्वकर्मा जी कभी मिले इस दिशा में बात करेंगे, आपसे भी लोग कहे। हमारे देश के अंदर हजारों की संख्या में मठ मंदिर है, और एक ही पैदा होगा, कौन जाएगा मठ मंदिर? जी जी जी, वहां कौन कौन सांस्कृतिक रूप से जागरण करेगा? कौन धर्म का जागरण करेगा? और दूसरा, आधा सेकंड जी, सेना में कौन भर्ती होगा? मैं पूछना चाहता हूं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि चार कर पैदा करो कि क्या करो, पर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी संत ने कोई बात महर्षि ऋषि ने स्वतंत्र विचार की दृष्टि से की है, तो उसमें कांग्रेस वाले एक तरफ जनेऊ पहनेंगे, एक तरफ वहां जाके प्रणाम भी करेंगे, हनुमान गढ़ी भी जाएंगे, भोलेनाथ के भी जाएंगे, एक तरफ वो बीजेपी पे आरोप लगाएंगे। जितेंद्र मिश्रा जी, सीधी बात है कि बैलेंस देश का सभी वर्गों का बराबर हो, अनुसूचित जाति भी कम न होने पावे, आदिवासी भी कम न होने पावे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर, लौट रहा हूँ। धर्मांतरण का हम विरोध करते हैं, लौट रहा हूँ, वो अलग मुद्दा हो जाएगा सर, चलते हैं अपन उस तरफ भी चलेंगे सर। मनोज जी, जी जितेंद्र मिश्रा जी, मेरा ये कहना है कि आज अगर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई बात आई थी तो उसको राजनीतिक दल पर टिप्पणी करने वाले विधायक जी शंकरलाल तिवारी जी कम से कम कहते इस बहस में मुझे शामिल नहीं होना है, लेकिन वो भी इसमें शामिल हुए। उसके पीछे कारण यह है कि जहां जहां इनको राजनीतिक फायदा मिलता दिखता है वहां ये हर बहस में शामिल हो जाते हैं। बात खाली दो बच्चे और चार बच्चों की नहीं है, आप सरकार में बैठे थे, आपने क्या कदम उठाया इस बात को लेकर के? आज बागेश्वर धाम के समर्थन में आप खड़े, आपको संविधान में रखनी थी ये बात, आपको सरकारों से बात करनी थी, आप सरकार में बैठे थे, जब आपके मुंह से ये बात नहीं निकली, आज बागेश्वर धाम के सुर में सुर आप मिला रहे। हम बागेश्वर धाम का सम्मान करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं सर, आप भी उनके सुर में। मनोज जी, मेरा ये कहना है कि सेना की बात को जोड़ करके आप इससे जोड़ रहे, माने आप संविधान में जो चीज बताई गई है उस संविधान का सम्मान करना नहीं सीखते आप। एक प्रोटेम स्पीकर रह चुका व्यक्ति भी इस तरीके की बात करता है, उसको प्रस्ताव डालना था, उसको प्रस्ताव लेना था, उसको प्रस्ताव मंगाना था, अगर इस बात में उसमें कोई भी उसका विचार हो सकता था। तो इतने दिनों से आपके सामने बहुत सारी बातें आ रही है, आप कह रहे हैं हजारों संतों ने कहा, अरे तो आप सरकार में बैठे, एक प्रस्ताव डालिए, संविधान में संशोधन की बात की। हमने कुछ कहा ही नहीं, आपको तो जिधर हम कुछ कहा ही इस तरह की बात करना है, आपको बागेश्वर धाम की बात का भी समर्थन करना है, मदरसे में जाकर के भी बात करना है, मस्जिद में भी जाकर के बात करना है। यह राजनीतिक चरित्र जो है ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। संविधान के साथ खड़े रहिए, अगर आपको अपनी बात करना है संविधान में शामिल कराइए, सरकार
सरकार में तो बागेश्वर धाम ने जिताया मिश्रा जी की आपको बागेश्वर धाम ने जो कहा क्या वो गलत कहा नहीं सुन लो संविधान का जवाब ना एक देखिए तिवारी जी मेरा ये कहना है मैं कांग्रेस से ये समझना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम ने बागेश्वर धाम आप समर्थन में है या नहीं। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जो बात कहना चाहिए उसको उस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए, उनको पत्र लिखना चाहिए प्रधानमंत्री को, उनको मुख्यमंत्री को सलाह देना चाहिए, तब जाकर के कहीं बात समझ में आती है। कहीं प्रवचन में कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, मुझे लगता है ये बात सही नहीं। बिल्कुल उनको अगर अपनी बात रखना है वो एक प्लेटफॉर्म चुने जहां पर पत्र लिखे, जहां पर जाकर के ज्ञापन दे, जहां पर संविधान में संशोधन की बात करें। परिवार नियोजन की बात की इन्होंने, परिवार नियोजन में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्पष्ट मत है वो स्पष्ट कर दे, वो भी परिवार नियोजन को चाहते। कहीं भी आज जब 1956 से लेकर आज तक सिर्फ जनसंख्या की बात इसलिए की जाती थी कि विकास सर्वोपरि था हमारे लिए, और उस विकास को लेकर के इस तरीके की बात हुई। 2014 से सरकार में आप बैठे, लाइए इसके विरोध में और शंकर लाल जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा उसने जनसंख्या नियंत्रण पर एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कुछ कहती है, गोवा में आप कहते हैं बीफ को बढ़ावा देंगे, पूरे देश में कहते हैं गौ मांस और गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किस तरह की दोहरी बात, दोहरी राजनीति सिर्फ वोटों के लिए करना मुझे लगता है उचित नहीं। कांग्रेस समर्थन में नहीं है। देखिए तिवारी साहब, अब जितेंद्र मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि उनको किसी अच्छे मंच पर रखना चाहिए। मेरा यही कहना था कि आदरणीय जितेंद्र जी एक तरफ हाँ इधर जाऊं या उधर जाऊं, राख बन के मैं क्यों ना बिखर जाऊं, इस ढंग की भाषा प्रदेश की जनता सुन रही। कांग्रेस को कभी तो मुखौटा उतार करके स्पष्ट बात कहनी चाहिए। मैंने पहले आपसे जितेंद्र जी, इस तरीके की बात सुनना पड़ेगा। मैंने आपको सुना है, आपके प्रहलाद पटेल मंत्री है वो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, और आप एक पूर्व विधायक होकर कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम जो कह रहे हैं, आपकी बात का उत्तर देने तो दोगे? दे दीजिए, बोलिए तिवारी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मित्र कह रहे हैं संविधान कई बार का, संविधान को पढ़ा आपने भी होगा, मैं मानता हूँ विद्वान भी, पर हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ा है। संविधान में वाणी की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति परंपराओं की स्वतंत्रता का अधिकार एक एक नागरिक को है। उसके लिए ना कांग्रेस ही होना जरूरी है, ना भाजपा ही होना, ना बीएसपी होना जरूरी। और इसलिए वाणी का अधिकार, विचार का मौलिक अधिकार अगर बागेश्वर धाम बाबा का नहीं है क्या, या अन्य लोगों का नहीं है क्या? और अगर वो कुछ बोलते हैं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनकी उनकी अपनी लाइन है। दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक बागेश्वर धाम बाबा को मैंने 2-4-6 बार टीवी में सुना, देखा है, कई मेरे पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल किए जब राजनीति पर या पार्टियों पर, तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट। और इसलिए जबरन में धजी का सांप बना करके कांग्रेस सियासत करे मुझे भी कोई लेना देना नहीं, पर मैं साफ कह रहा हूं कि देश के अंदर अकेले राजनीतिक सोच और विचारधारा रखने वालों का ये देश नहीं है, ये महर्षियों का, मनीषियों का, बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का, अन्य क्षेत्र के लोगों का देश। और वाणी की स्वतंत्रता एक बार कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश की थी इमरजेंसी लगा करके। सर तिवारी जी, लेकिन जो वाणी की स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है क्या वो ठीक कहा है? उनको जो लगा उनने कहा है, ये सवाल उनसे करना चाहिए। आपकी आपकी वाणी मिल रही कि नहीं उनसे? भाई मेरी वाणी तो मैं साफ कह रहा हूँ कि सबको अधिकार है विश्वकर्मा जी, जब तक आप यहाँ बैठे हैं जी अपने चैनल में जी है, तब तक बंसल चैनल में जब तक आप भी राजे हैं, हाँ, तब आप बंसल के हैं, पर घर जाएंगे तो अपने माता पिता, घर जाएंगे तो अपने बच्चों के, अपने समाज में बैठेंगे तो समाज के हैं। और इसलिए वाणी की स्वतंत्रता, वो संत है, वो मार्गदर्शक है, वो अगर कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं तो हम लोग कैसे जाके उनको रोक सकते हैं? और उनके कही हुई बात को हमारे मुंह में डालने की क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को? हाँ, चलिए जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, अब जवाब देने को मनोज जी कुछ बचा नहीं है। हाँ। शंकर लाल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि बाड़े की स्वतंत्रता अधिकार है, और जिसके जो समझ में आएगा वो बोलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया
कि हम जाते हैं टीवी में हमने सुना है, लेकिन उनको बोलने का अधिकार है, तो वो जो समझ में आएगा वो बोलेंगे, और इस देश में जिसको अपमान करो वो बोलेंगे। ये शंकर लाल जी ने स्वीकार किया है एक चीज, अब रहा शंकर लाल जी का, देखिए ये तो बागेश्वर धाम की बात हो गई, वो संत है उनका सम्मान करते हैं, अब सुनिए शंकर लाल जी तिवारी की बात और रामेश्वर शर्मा की बात। ये जब इनका एक नेता कहता है प्रहलाद पटेल कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, एक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जब शंकर लाल जी तिवारी इस तरीके की बात करते हैं, इसका मतलब लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए ये सब हो रहा है। इधर बागेश्वर धाम को चुपचाप रहना उनकी बात पर, उनका कहना साहब उनको स्वतंत्रता है बाड़ी की, और इधर प्रहलाद पटेल की बात का समर्थन करना बताता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने का जब जब मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, वो पीछे नहीं हटती है। और चुनावी माहौल में रामेश्वर शर्मा, वो बागेश्वर धाम ने क्या गलत कहा है? नहीं देखिए, बागेश्वर धाम को लेकर के शंकर लाल जी तिवारी जी ने जो कहा, आप ही तो बताइए, मैं उस बात से सहमत हूँ कि बाड़ी की स्वतंत्रता है, मनोज जी आपके मन में जो है वो आप कहिए, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि आप एक संत हैं, आप अपनी बात चैनल से पहुंचाइए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए अगर आप चाह रहे हैं, और अगर आप सिर्फ बात करने का चाह रहे हैं तो कहीं भी कहिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा है तो पहला विरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का होना चाहिए, जिसने कहा जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट तैयार होगा। दूसरा विरोध प्रहलाद पटेल का होना चाहिए, जो केंद्र में मंत्री है, जो ये कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, इनका विरोध कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है सर, उसकी तरफ जाएंगे तो आपको पता क्या है कानून। बिल्कुल बिल्कुल, तो कम से कम एक तरफ तो रहिए, या तो प्रहलाद पटेल जी का समर्थन कर दीजिए या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ऐसा नहीं, अभी उन्होंने स्पष्ट किया जब तक चैनल पे हो आप बंसल के हो, घर जाके अपने माता पिता के हो, तो इनका यही काम है। या जब धर्म सभा में जाते हैं तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, मदरसे में जाते हैं तो इस तरीके की बात करते हैं, देश में कहते हैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, गौ मांस को नहीं खाना चाहिए, और गोवा में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गौ मांस ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराएंगे। ये दोहरी राजनीति नहीं हो रही, अभी तो इंसानों की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ इनके चरित्र का पर्दाफाश कर रहा हूँ, ये ना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है, ना प्रहलाद पटेल के साथ है, ये तो जिसमें वोट मिले उस कब के साथ है। सुन लीजिए सर, एक बार सुना देते, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा क्या, जरा सुनिएगा कि आखिर क्यों इस पर इतनी बहस गर्म हो रही है, एक बार सुनिएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, उन्होंने क्या कहा। राम के नहीं उनकी तकलीफ है, हम पर कहेंगे जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं, मैं भी लड़का सुना, हम भी नहीं हम भी सुने, जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुना, ब्याह करो तीन चार बाल बच्चे हो, दो ठैया राम की नहीं, समझदार जैसा आता था, वैसे तो दो बच्चे दो ही अच्छे, बच्चा राम जी की चलिए, वो कहने वैसे तो बच्चे दो ही अच्छे, पर एक बच्चा राम को भी मिलना चाहिए, जाइए आप शादी करिए। जितेंद्र जी, उन्होंने भी वही बात कही है कि बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी अर्थ में कही हो, किसी और तात्पर्य में कही हो, बाकी आप समझदार हैं। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है कि अब शंकर लाल जी तिवारी उसको अपने पक्ष में कैसे करना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन उनका विरोध हम नहीं करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बच्चे दो ही अच्छे। इसके अलावा अगर अब मैं शंकर लाल तिवारी जी, उन्होंने कहा बाकी आप समझदार हैं, आप समझ गए सर तिवारी जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है, मैं मिश्रा जी के मुंह से सुनना चाहता था, देखिए आप उन्हीं को समय दे। नहीं मेरा ये कहना है, पहले तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए तिवारी जी कि जो उन्होंने समझाया है वो आपकी समझ में आ गया क्या, ये जो सैनी जी का जो प्रश्न है, कम से कम मुझे स्पष्ट कर दे कि उन्होंने कहा है दो बच्चे ही अच्छे होते हैं और इसके बाद आप समझदार हैं, क्या समझे आप मुझे बताएं। नहीं नहीं, दो बच्चे अच्छे होते हैं रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, जिनके नाम पे छाती पीट रहे हो। अरे बागेश्वर धाम ने कहा, शर्मा ने ऐसा क्यों, बागेश्वर धाम ने कहा है हुजूर, रामेश्वर ने भी अपने बयान में रामेश्वर जी की बात को आगे बढ़ाया, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया, पर संत महात्मा है, उनको समाज की दृष्टि से आवश्यकता लग रही है, उनका अपना स्वतंत्र विचार है, वो कुछ कह रहे हैं,
तो इसमें पेट में मरोड़ हमको किसी के मरोड़ नहीं आ रही है, किसी के मरोड़ नहीं आ रही है। रामेश्वर शर्मा अगर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते तो किसी के पेट में मरोड़ नहीं थी, और आपने भी स्वीकार किया कि ये उनका अपना विचार है। अगर किसी के व्यक्तिगत विचारों पर ये देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। और शंकर लाल जी तिवारी जी, आप बेहतर जानते हैं संविधान को। चला लिया आपने बिल्कुल, हमने संविधान से चलाया है, और 2014 के बाद से किस तरीके से चल रहा है ये भी छिपा नहीं है। कभी हिंदुत्व कभी हिंदुत्व। मैंने तो कितनी बड़ी बात कही कि देश में गौमाता की बात करते हो, और गोवा में गौ मांस खाने की बात करते हो। गाय आपके लिए पूजनी है कि आप गोवा में गौ मांस खाने की बात करते हो, और पूरे देश में गौ मांस धर्मांतरण को बढ़ावा दोगे? अरे आपको जब जरूरत पड़ती है तो मंदिर चले जाते हो, जरूरत पड़ती है तो मंदिर चले जाते हो, राजनीतिक चेहरे से आप इस धर्म को चलाना चाहते सर। अब सुनिए सर, दोनों एक बार बयान सुनिए सर। देखिए बागेश्वर धाम ने क्या कहा वो आपने सुन लिया, लेकिन रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा, मतलब किस तरह। देखिए विधायक जी, विधायक तिवारी साहब सुनिए तो आपके काम की बात, क्या कही रामेश्वर शर्मा, सुन लीजिए एक बार। बढ़ती हुई जनसंख्या और आबादी किस तरह देश पर संकट का बादल खड़े हुए हैं। अगर धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या कम होती रही तो हिंदुस्तान में हिंदू ही नग्न हो जाएगा, जिसके नाम से ये देश कहा जाता है। इसलिए संत ने सहज कहा है कि भैया समाज में वैसे तो बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन जब बाकी लोग कर रहे हैं तो चार कर लो, दो राम को दे दो, दो अपने काम के लिए रख लो। तो राम मतलब राष्ट्र सेना में दे दो, देशभक्ति के लिए दे दो, समाज के काम के लिए दे दो, जो पूरा समय जीवन दान देकर समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकें, राम की जय जयकार कर सकें, राम के जागरण कर सकें, राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। इस तरह बागेश्वर महंत जी ने तिवारी साहब अब वो तो एक तरह से समर्थन में मतलब दिखाई दे रहे। देखिए उनकी बात को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि वैसे तो बच्चे दो ही अच्छे, यही बागेश्वर धाम ने भी कहा, लेकिन जिस तरह से संख्या में इजाफा हो रहा है दूसरे तरह से उन्होंने इशारा किया, उन्होंने भी कहा कि बात को समझ जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा, मगर बागेश्वर धाम ने कह दिया। आपको क्या लगता है, क्या जो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बराबरी की होना चाहिए, आपने भी कहा ये बात को, तो क्या बागेश्वर धाम की बात को आगे बढ़ना चाहिए? जनसंख्या ही नहीं, समाज के अंदर, हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि समाज के अंदर सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या बराबर हो जाना चाहिए जनसंख्या चाहिए? और इसलिए अगर ऐसा कोई संत सोच रहा है, कोई महात्मा कह रहा है कि भैया हमको तो कहते हो दो, दूसरे तरफ हो रहे 12, तो रामेश्वर शर्मा कहाँ कहें बताओ, मार के सर, जी मार मार के। अच्छा वो उन्होंने कहा था, बाकी आप समझदार, तो अब आप समझ गए। देखिए जितन जी वो तो समझ गए, आप समझ जाइए। देखिए ये सारी की सारी जो घटनाक्रम है ये यही चीज समझाने के लिए, चुनाव सर पर है, 23 में भी कई सरकारें के चुनाव होना है, 24 में भी होना है, यही समझाने का प्रयास है। और इसी तरीके की बातें शुरू कर, देखिए मैं शंकर लाल तिवारी जी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर अब समय नहीं है, नहीं मुझे ये बता दीजिए, हिंदू नग्न हो जाएगा इसका अर्थ अगर वो बता दे, और नहीं कह दे कि रामेश्वर शर्मा के पास वैचारिक दारिद्र है, इस शब्द की पुष्टि कर दे, नग्न कैसे हो जाएगा, या तो वो नगण्य की बात करते, लेकिन उन्होंने नग्न कहा, जिसको कि शंकर लाल तिवारी जी से समझना चाहते। रामेश्वर शर्मा आप लोगों की आंख में किटकिरी की तरह, अरे हमारी आंख में किरकिरी नहीं है, लेकिन वो आप बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, मेरे पास समय वक्त इजाजत नहीं देता, अब यही रुकना पड़ेगा, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि पहले भी इस मुद्दे पर चर्चाएं होती रही है, तमाम विधायक सांसद अपने अपने मंच से, कुछ साधु संत ये इस बात को कहते रहे हैं, खासकर हिंदुत्व के हिंदुओं की संख्या को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि संख्या आखिर लगातार कम होगी तो फिर चिंता दूसरी तरफ जाएगी। अब इसके आशय क्या है आप और हम बेहतर समझ पा रहे हैं, शायद जितना वो बागेश्वर धाम भी समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे दौर में बयान आया है जब इस पर सियासत गर्म है, वजह आप समझ सकते हैं, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो उनका बयान आया, उसके बाद और किस किस के बयान आएंगे देखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, नमस्कार।